दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कौशिक स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर न्यूरो कंडीशंस हैं, अगर किसी के पैरालिसिस हुआ है या स्पाइन इंजरी की कंडीशन हुई है या आपके किसी तरह की न्यूरो प्रॉब्लम आई है, उसके अंदर अगर आपको नॉलेज है बीइंग ए प्रैक्टिकल बीइंग ए फिजियो और आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए टेक ए चैलेंज, आई थिंक इट्स पॉसिबल। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बिकॉज हम कैंसर की रिहैब करते हैं। अगर किसी का सर्जरी हुई है, हड्डी में पड़ीमा हो गया है, उसमें कौन सी स्टॉकिंग्स पहननी है, कैसे उसकी प्रिकॉशंस करानी है, कैसे एक्सरसाइज करानी, सो हर कैटेगरी है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कौशिक स्पाइन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो कि पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं बठिंडा में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का एम्बियंस जो हमने आज देखा है, हम आए हैं अंदर और एक अलग किस्म का एम्बियंस हमें देखने को मिला, जिसमें पेशेंट्स, क्योंकि हम लोग आमतौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विजिट करते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ विजिट किया तो एक अलग तरह की फीलिंग, जैसे इन्होंने अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, जो इनके पास असिस्टेड मशीनरी है इन चीज़ों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा एवन है। बात कर रहे हैं उस यंग ब्लडर के साथ जिन्होंने अपना कैरियर मैक्स से शुरू किया। स्वागत है जी आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर जतिन कौशिक, आई एम वर्किंग इन बठिंडा फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। आई स्टार्टेड माई जॉब इन बठिंडा मैक्स एज एच ओ डी इन फीजर डिपार्टमेंट, बट आई एम रनिंग माई सेंटर इन 2019 मोटर टाउन फेज वन। सो मोस्टली हम यहाँ पे पेशेंट्स को जितनी भी स्पाइन इंजरी कंडीशंस होती हैं या रिहैब करनी है किसी की, या स्पाइन या नी इंजरी है किसी की, और एक्सपायर जितनी भी हमारी मल्टी जॉइंट्स पेन है, मसल्स पेन है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पेशेंट्स को अच्छी काउंसलिंग के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग अभी आपके पास बैठे हुए थे, हमने एक स्पाइन वाले पेशेंट को आप लोग काउंसलिंग कर रहे थे, 20 मिनट का आपने सेशन लिया, क्या कहना चाहेंगे कि इतनी काउंसलिंग में जैसे आपने उनको गाइड किया है, आपने उनको डाइट चार्ट दिया है, उनको एक्सरसाइजेस बताई है, उनको मेडिटेशन का रास्ता बताया है, क्या कहना चाहेंगे कि आप ओवरऑल उसके में जो जो भी पेशेंट आता है उसमें आप लोग इंटरवीन हो जाते हो और ओवरऑल उसकी जो है हर चीज़ के ऊपर एक्सरसाइज करते हो, और यही कारण है कि रिजल्ट है जो एक बार पेशेंट आ जाता है और उसके बाद वो रिजल्ट लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है इस बार, बिकॉज जब हम फिजियोथेरेपी के लिए जब बठिंडा मैक्स में आए थे तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम थी। यहाँ पे लोग ज़्यादातर देसी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। हम ये नहीं कहते देसी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, बट फिजियोथेरेपी लाइन और देसी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो इसके अंदर सबसे मेन है कि पेशेंट जब आपका ऐसे फिजियोथेरेपी के बाद आता है तो बहुत एक ट्रस्ट करके आता है, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी मेडिकेशंस खा चुका है, इतनी एक्सरसाइज करा चुका है और बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा चुका है। तो बीइंग ए फिजियो और बींग ए फिजियोथेरेपिस्ट, आपको चाहिए कि एटलीस्ट आप पेशेंट की बात को सुने, उनके पेन प्रॉब्लम को समझें, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम करें। बिकॉज पेशेंट को अगर आपने एक बार अच्छे से ट्रस्ट करके देख लिया और पेशेंट रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली एक से आगे दूसरे पेशेंट को जरूर भेजते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ है, बिकॉज मेरा बठिंडा आने का कोई रीज़न नहीं था, आई एम जस्ट हेयर फॉर 6 मंथ्स इन मैक्स। सो यहाँ पे जब हमने पेशेंट देने शुरू किए, पेशेंट का ट्रस्ट बना, पेशेंट ने आगे रेफर करने शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज इतनी अच्छी चेंज हो गई कि मोस्टली पेशेंट कम फ्रॉम पटियाला, आई थिंक इज टू मच फार फ्रॉम आर प्लेस, पटियाला से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, एनआरआई पेशेंट से आते हैं, दिस पेशेंट इज ऑल्सो फ्रॉम एनआरआई, इज ऑल्सो गोइंग बैक आफ्टर 4 मंथ्स। सो पेशेंट्स की स्पाइन को अगर मिसलाइंड है और आपको पता है कि जॉइंट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, आप थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, और अगर आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है और अगर आप ही पेशेंट्स को देखें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द पेज। क्या कहना चाहेंगे कि आपने जब से कैरियर शुरू किया है आप खुद ही इंटरवीन करते हो, खुद पेशेंट के साथ अटैच होते हो, ये नहीं है कि पेशेंट आगे रजिस्ट्रेशन होगी
और डॉक्टर साहब ने तो बाद में देखना है उसको, आप पहले पेशेंट को खुद चेक करते हो, देखते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके बाद आपका जो असिस्टेड मशीनरीज हैं आप खुद पहले तो उसको एक जो स्टार्टिंग देते हैं, क्योंकि लोगों के मन में अभी तक तो यही था कि हड्डियों का है फिजियोथेरेपी, लेकिन आप न्यूरो के, आप गाइनी के, आपने हर चीज़ में जो फिजियोथेरेपी को इंटेंगल कर दिया। एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑर्थोपेडिक के अंदर आपको अगर रिहैब करनी है इंजरी के बाद, सर्जन ने सर्जरी की है, उसने अगर बोला एक्सरसाइज करनी है, तो दैट नॉट मीन कि आपने उसको एक्सरसाइज करवा ली, बिकॉज कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे पास आते हैं, उन्होंने इंजरी के बाद अगेन दोबारा गेम में जाना है, तो सबसे मेन रोल है फिजियोथेरेपी का। और अगर न्यूरो कंडीशन हैं, अगर किसी के पैरालिसिस हुआ है या स्पाइन इंजरी कंडीशन हुई है या आपके किसी तरह की न्यूरो प्रॉब्लम आई है, उसके अंदर अगर आपको नॉलेज है बीइंग ए प्रैक्टिकल बीइंग ए फिजियो, अगर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए टेक ए चैलेंज, आई थिंक इट्स पॉसिबल। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बिकॉज हम कैंसर की रिहैब करते हैं, अगर किसी का सर्जरी हुई है, लिम्फ एडीमा हो गया है, उसमें कौन सी स्टॉकिंग्स पहननी है, कैसे उसकी प्रिकॉशंस करानी है, कैसे एक्सरसाइज करानी, सो हर कैटेगरी है। और सेकंड मेन थिंग गायनी जो डिपार्टमेंट है, उसमें प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर आप कौन सी एक्सरसाइज कराएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरीज हो, और आफ्टर जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, और सेकेंडली सी सेक्शन के बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करानी है, उसके अंदर लोअर बैक का रोल क्या है, बिकॉज आई थिंक कोई भी एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे नहीं कम गाइड करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको बताएं, अगर नहीं बता सकते वो अलग बात है, पेशेंट्स नहीं समझते, बिकॉज बैक एक कंडीशंस हर किसी की होती है, स्पेशली लेडीज़ के साथ में है, क्योंकि अगर उनकी बैक पेन भी है, उन्होंने काम करना ही करना है, तो एटलीस्ट आप एज ए सपोर्ट साथ में चले, आप उनको गाइड करें। पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि कोई आ सकता है नहीं आ सकता, एटलीस्ट उसको फर्स्ट कंसल्ट में इतना अच्छा गाइड कर दो कि पेशेंट मोटिवेट हो और आपसे थेरेपी ले और रिजल्ट आए, सो दैट्स द मेन थिंग। यहाँ कैंपियंस जैसे हमने देखा कि अलग अलग जो है कैबिन्स बने हुए हैं, किसी का किसी के साथ टच नहीं है, और लोगों को बड़ी एक ईस्ट जोन में चले जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपका ये सेक्शन बने हुए हैं उसमें लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, किसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईज है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अंदर फुली एसी है, बहुत बड़ा बढ़िया तरीके से आप लोग डेली अपने जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो जो भी उन्होंने जो आपके सराहना वगैरह है, जो जिसमें बेड पे पड़ना है, बहुत ही सुंदर और साफ दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आप खुद इंटरवीन करते हो, आपका माइंड ही ऐसा कि आपने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि मैक्स में जब आपने काम किया वहाँ भी आपने पूरी तरह से लोगों को अवेयर किया, और लोगों को आज तक जो वो वहाँ के पेशेंट है वो भी आज तक आपको फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज मेरी जर्नी बहुत पुरानी है, मेरी स्टार्टिंग हुई थी हरियाणा से, एक छोटी सी जगह रेवाड़ी से, उसके बाद सेकंड जर्नी हमारी शुरू हुई हैदराबाद अपोलो से, आई वर्क देयर, उसके बाद आई एम इन्वॉल्व इन कॉमनवेल्थ गेम्स, गवर्नमेंट हायर्ड मी, आई वर्क विद स्पोर्ट्स प्लेयर्स, उसके बाद आई गोइंग टू फिटनेस लाइन, मैं जिम में गया बीइंग ए फिजियो, बीइंग ए टीम लीडर, देन आई वाज सेलेक्टेड इन द मैक्स, आई वर्क विद यू नो वेरी हाई प्रोफाइल ऑर्थोपेडिशियन, आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम माय सीनियर सर्जन्स, बिकॉज आई सीन लॉट्स ऑफ सर्जरी बीइंग ए फिजियो, बिकॉज आई सीन इन ऑल्सो इन मैक्स बठिंडा ऑल्सो, बिकॉज ऑलमोस्ट मुझे जितने भी सर्जन्स मिले हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि अगर आपने सीखना है तो वी आर विद यू, और हमेशा आई रिस्पेक्ट टू ऑल सीनियर सर्जन्स एंड डॉक्टर्स, बिकॉज इनके सपोर्ट से भी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। और अभी रिसेंटली आई वर्क विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनकी सर्जरीज डॉक्टर्स करते हैं, और दे रिकमेंड माई नेम, आई नॉट डोंट नो कि PGI के डॉक्टर्स भी हमारा नाम लिख के भेजते हैं, बिकॉज हम उनसे कभी नहीं मिले। आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग गुड बीइंग ए फिजियो स्पेशली, और अगर आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग यू आर हेयर, देन योर पेशेंट डेफिनेटली कम्स टू यू, बिकॉज यहाँ पे जितना हमें सुनने को मिला था स्टार्टिंग में कि डॉक्टर तो करते नहीं है, हेल्पर्स आर वर्किंग, बिकॉज मेरा स्नेहजो कि अब पेशेंट कम्स टू यू, यू हैव टू ट्रीट योर साइट एंड दे आर जस्ट अप्लाइंग द मशीन एंड एंड द टाइम एंड द ट्रीटमेंट यू हैव टू बी देयर, सो इट्स अ नेसेसरी फॉर एवरी फिजियो, और इज़ अ एक्सट्रीम यू नो मस्ट लाइन, बिकॉज जितने मेरे फिजियो कलीग्स हैं बठिंडा में नियर बाई, हम उनको हमेशा कोई पेशेंट नियर बाई होता तो हमको रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ जाइए फिजियो से ट्रीटमेंट लीजिए, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेडिकली जो हम नहीं पेशेंट को बोल सकते, बट हम ये कह देते हैं कि अगर आप हमारे पास आएँ सो जस्ट फेथ ऑन अस, गिव सम टाइम फॉर यू एंड टेक द ट्रीटमेंट, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जो न्यूनेटल जिनको ऑक्सीजन की कमी है या और प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये हॉस्पिटल वरदान है, क्या कहना चाहिए? सर इसके लिए हमारा एक मोस्टली फंड आ रहा है, जितने भी हमारे बच्चे आते हैं जो बाई बर्थ डिफॉर्मिटीज़ हैं या सम डॉक्टर्स आर सजेस्ट दैट की सर्जरी होनी चाहिए, टच वुड वी आर ट्रीटिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, हम न्यू बॉर्न बेबी से लेके 8 to 10 years तक रिसेंटली वी आर ट्रीटिंग वन चाइल्ड ऑल्सो, वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल रुपीज फॉर दैट ट्रीटमेंट, बिकॉज वी आर जस्ट से वॉन्ट क्लियरली
यू हैव टू कम रेगुलर, वी आर टेकिंग योर ट्रीटमेंट, देन यू विल सी द रिजल्ट्स. अभी तक हमने 8 बच्चे ठीक किए हैं जिनका डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट के अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, और हमारे ट्रीटमेंट में बच्चे आज, वन चाइल्ड इज माइन माय कनाडा. सो अभी वो बच्चे इतने ठीक हैं और उनकी मोटिवेशन से हमें मिलती है, क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 या 100 पेशेंट देख रहे हैं उसमें एक बच्चा देख लेंगे, आई थिंक दिस इज चैरिटी. वी आर नेवर से टू एनीबॉडी वी आर डूइंग चैरिटी, दिस अ हाइबरनेट थिंग. हम चीज़ें दबा के रखते हैं, कुछ चीज़ें हम पेशेंट्स को देखते हैं, बिकॉज बच्चा किसी का भी हो सकता है. और आई लव योर चिल्ड्रन, सो मैं बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, उनकी कंसल्ट भी नहीं देता. सर, वी आर एन इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स. आज हमें इतना प्यारा आपका ये सेटअप देखने के लिए और आपसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम चाहेंगे कि जैसे आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आप तीनों स्टेटों को यहाँ पर बठिंडा में बैठे हुए ट्रीट कर रहे हैं, इवन दिल्ली तक के पेमेंट आ रहे हैं, आपकी ये जो खुशबू है वैसे फैलती रहे और आप ऐसे ही चैरिटी भी करते रहे साथ साथ में उन बच्चों के लिए जिन जिन बच्चों का कोई भी नहीं. इसमें हम ये नहीं देखते कि ये बच्चा फैमिली साइड से कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं 19-20 भी नहीं करता. जो बच्चा है वो फ्री है मेरे लिए, उस बच्चे का ट्रीटमेंट मेरे लिए फ्री है. अगर उनको कोई एक्सपीरियंस की नीड पड़ती है, दे कांट बाय इट, सो फ्रॉम माय साइड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आई विल पे फॉर इट. बट थिंग इज दैट कि हर बच्चा ठीक होना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स का वो पहला बच्चा है और उसको अगर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है हमारी साइड से, स्पेशली मेरी साइड से, सो मैं अपनी लाइन में हमेशा फर्स्ट रहूँगा. थैंक यू.